नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, कुछ डाउट्स हैं, काफ़ी बच्चों के डाउट्स हैं। प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, BSF का सिलेबस क्या है, BSF का जो एग्ज़ाम है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, यानी काफ़ी डाउट है। उन डाउटों को लेके मैं आज आप लोग के बीच में आया हूँ। अगर आपके कोई भी अन्य डाउट भी है तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद में मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। इसी प्रकार के वीडियो हम बनाते रहेंगे ताकि एक वीडियो के अंदर कम से कम 15 से 20 डाउट आपके जो डाउट सेशन है वो करके और कंप्लीट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं उनके मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ विदिन 24 घंटों के अंदर अंदर दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर कोई मैसेज छूट जाता है या कोई भी कमेंट ऐसा हो जो ध्यान में नहीं आता है तो उसका मैं अलग से, या इम्पोर्टेंट जो होता है उनका मैं वहाँ पे भी रिप्लाई देता हूँ और ये वीडियो वो भी बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो क्लियर है वो समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो मुकेश जी सैनी है उन्होंने कमेंट किया है, यहाँ पे मुकेश जी ने है जो, देखिए यहाँ पे BSF ग्रुप के बारे में पूछा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो भी वीडियो आते हैं BSF से संबंधित उसके कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सअप लिंक होता है, टेलीग्राम लिंक होता है और यूट्यूब लिंक होता है। उनसे आप व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और वहाँ से जाके, और BSF का अलग से एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया हुआ है तो वहाँ पे जाके आप जुड़ सकते हो। ठीक है तो मुकेश जी, उसके बाद में राहुल जी है एनिमल्स डॉक्टर, जिन्होंने ये लिखा है कि सर आप डाल जो आप है ना कैनलमेल का जो सिलेबस है वो अभी तक नहीं डाला है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आज शाम तक वो कैनलमेल का कंप्लीट होके सिलेबस आपके जो लिंक है वो मैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे और जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग को दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप लोग कैनल मेल का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये पुष्पा वर्मा है, पुष्पा वर्मा ने लिखा है कि पेपर कब तक होगा। तो अगर बात करें हम जो BSF है, BSF पे बहुत तेज़ी से अभी काम कर रहा है, तो इसके बारे में बोलना उचित भी होगा कि दो महीने मैक्सिमम आपके 2 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना, क्योंकि अभी लास्ट डेट गई, लास्ट डेट के बाद में आपके जो अप्रूवल है वो कैंसिलेशंस है, रिजेक्ट होना या अप्रूवल होना वो प्रोसेस चल गई, उसके बाद में अभी यही सिचुएशन है कि एग्ज़ाम जल्दी ही 2 महीने के अंदर अंदर होने की पूरी संभावना, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में आपका जो है फिजिकल होगा, फिजिकल होने के बाद में मेडिकल होगा, मेडिकल की अलग से मेरिट बनने के बाद में आपकी लास्ट जो फाइनल सिलेक्शंस है वो होने के चांस है। ठीक है दोस्तों, तो ये लंबी प्रक्रिया है लेकिन उसमें टाइम बहुत ही कम लगने वाला है। अभी BSF की तरफ से नोटिफिकेशन अभी नहीं आया क्योंकि अभी DG बने हैं, तो जो DG नए बने हैं उसके बाद में ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी, क्योंकि कल परसों ही DG बने हैं नए, तो जो भी नए नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को वीडियो के द्वारा बताता रहूँगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की न्यू जो अपडेट है वो आप लोग को मिलती रहे। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो है आर के जी ने लिखा है कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, BSF के फॉर्म की बात करें, हेड कॉन्स्टेबल की बात करें ये, तो सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, थोड़ा हेल्प कीजिए। तो इसमें RKG मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया जिसमें BSF की मेल ID और BSF की फैक्स ID, उसके बाद में BSF के जो लैंडलाइन के कॉन्टैक्ट नंबर हैं और जो अधिकारी जो एडमिन्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने उस वीडियो के अंदर डाले हैं, तो वहाँ पे जाके उस वीडियो के देखिए, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, वापस से रिप्लाई या फिर बाई मेल आप लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँ, या कोई भी जानकारी है वो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऐसा लिंक एक्टिव नहीं हुआ है BSF की ऑफिशियली साइट पे जिसके माध्यम से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फिर से सबमिट किए जा सकते हैं। ठीक है RK जी, उसके बाद में जो हमारा एक कमेंट आया है दिलीप जी, आपने बोला था कि आज शाम 7 बजे तक वीडियो आ जाएगी, तो दोस्तों देख लीजिए यही वीडियो है और ये वीडियो आ चुकी है, तो आप लोग उसी दिन आ गई थी और 2 दिन पहले की बात है ये, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिलीप जी ने पूछा है सर पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर की कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए प्लीज़ सर। तो इसके पर रिसर्च चल रही है और जैसे ही रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा विदाउट रिसर्च के या विदाउट इधर उधर से पूछताछ के कैसा एग्ज़ाम था,
कौन सा पार्ट इजी था कौन सा पार्ट टफ था उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनती है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है दिलीप सहरा सहरा जी ने लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू दिलीप जी, आपने हमें प्यार दिया और आप हमारे लिए हो, हम आपके लिए हैं। और मीना जी कह रहे हैं, मेगा मीना जी कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। और इसके पीछे मतलब चार पांच चैट हुई है जो भी मैंने रिप्लाई दिया या उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में, क्योंकि सभी क्वेश्चनों पे मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ दोस्तों। उसके बाद में है सिलेक्शंस कैंडिडेट ग्रुप में ऐड होने के लिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करें, धन्यवाद। थैंक यू सर। इन्होंने संदीप जी शर्मा ने लिखा है कि सर EWS यानी DSSSV वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं ये, तो आप लोगों को बता देता हूँ कि EWS में 14 कैंडिडेट को सेकंड चांस मिला है, तो 2 गुना नहीं हो सकते, 5 या 10 गुना हो सकते, हो सकता है संदीप जी, ये मैं नहीं कह रहा कि 2 गुना ही बुलाया, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो पहले वाले जो एग्जाम्स हुए हैं उन पे जो EDOZR के लिए बुलाए गए उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी RTA का जवाब नहीं आया है, जैसे ही RTA का जवाब आएगा उसमें क्लियर हो जाएगा कि 2 गुना बुलाए या 5 गुना बुलाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सेप्टेड मान रहे हैं कि 2 गुना ही बुलाए होंगे। उसके बाद में इन्होंने प्रिंस मीना जी है, उन्होंने पूछा है कि सर फाइनल रिजल्ट कब तक आए, जल्दी आने की पूरी संभावना, कि जो प्रोसेस चल रही है उसमें 5 या 6 महीने तो लग ही जाते हैं फाइनल रिजल्ट आने में, क्योंकि अभी जो DSSSV वेटनरी लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर है उसका EDOZR कंप्लीट हुआ है, EDOZR 28 तारीख को कंप्लीट हुआ है, और EDOZR कंप्लीट होने के बाद में 5 से 10 दिन उसमें लगा लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक नॉमिनेशन लिस्ट निकलेगी और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होने के बाद में आपकी जो सिलेक्शंस जो लिस्ट है वो निकल के आएगी, उसके बाद में जो अलग जॉइनिंग वाली प्रोसेस है वो आएगी। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस अभी बची है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कम से कम 2021 में तो 21 का तो टाइम लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद में बात कर लेते हैं, दिलीप जी ने कहा है सर PSSSV वेटनरी इंस्पेक्टर भी कट ऑफ बनाएंगे, पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद ये अनूप जी या फिर दोनों लैंग्वेज, अभी इन्होंने नीचे एक कमेंट किया है कि सर इससे पहले बताए कि पेपर हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा, BSB की बात कर रहे हैं, BSF हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ज़्यादा चांस हिंदी के है, लेकिन इसमें बाई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी जो स्पेशल लैंग्वेज है कंपलसरी लैंग्वेज है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों के आने के चांस पूरे पूरे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि साधुराम सैनी ने ये लिखा है कि सर मैंने भी फॉर्म भरा था, कोशिश की है, मगर अदर स्टेट वालों के लिए ऑनलाइन में जम्मू एंड कश्मीर का लोकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो जल्दी से फॉर्म ऑनलाइन करने का वीडियो डालो, लास्ट डेट नज़दीक आ गई है। और मैं उसके बाद में कुछ लिखा है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि साधुराम जी सैनी जी, मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना दिया था पहले ही, उसमें ये लिखा गया था, इस वीडियो में ये बताया गया था कि ये जो डोमेसियल सर्टिफिकेट है जम्मू एंड कश्मीर का ही होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग आउट ऑफ जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एलिजिबल नहीं हो आप लोग। यहाँ पे क्रेजी छोरे ने लिखा है कि सर आपने अपने मोबाइल नंबर देना प्लीज़, तो मैं आप लोगों को बताते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका ग्रुप का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप लोग जाइए और वहाँ से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हेड कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, ये खेतान साहू जी है, हेड कांस्टेबल वेटनरी में फाइनल सेलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसके बारे में नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, अगर दिया है तो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। तो सबसे पहले मैं खेतान साहू जी आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पूरी प्रोसेस बता दी है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 50 नंबर वेटनरी पार्ट का गया, 50 नंबर जो हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग है GK है करंट अफेयर्स है वो आएगा, तो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद में आप लोगों का होगा फिजिकल में अगर आप लोग क्वालिफाई होते हो, फिजिकल्स में दौड़ दी हुई है और चेस्ट हाइट वो अगर वगैरह जो भी है प्रोसेस वो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, वो दिया है, वो कंप्लीट होने के बाद में अगर उसमें फिजिकल में भी आप क्वालिफाई होते हो तो फिजिकल की एक अलग से मेरिट निकलेगी, उसमें क्या है फिजिकल प्लस एग्जाम्स की मेरिट निकल के और टॉप जो कैंडिडेट है
जितने भी कैंडिडेट उनको लेने हैं उनकी एक स्पेशल लिस्ट बनेगी और वो उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और जैसे ही फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो लिस्ट बनती है उसके बाद में आपका नॉमिनेशन लिस्ट बनेगी। नॉमिनेशन लिस्ट बनने के बाद में दोस्तों जो मेडिकल होगा, फिजिकल के बाद में मेडिकल होगा, नॉमिनेशन लिस्ट निकलने के बाद में मेडिकल होने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आप लोग मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो वहाँ से निकाल दिया जाएगी और जो वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार की वीडियो के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग को इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। और आप भी कमेंट कीजिए ताकि आपके जो भी डाउट है वो मैं आप लोगों को बताता रहूँ। काफ़ी डाउट है दोस्तों, वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये पुराने जो कमेंट हो गए हैं तो जो न्यू कमेंट मैंने लिए हैं वो आप लोग के लिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल को से जोड़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।